हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग जा रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए और एक बड़ी खास जगह पे क्रिकेट देखने और खेलने जा रहे हैं। क्या सुंदर लग रहा है यार। ये इसका ही सीन ही कुछ अलग है और एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे क्रिकेट देखेंगे और खेलेंगे भी। और ये इस एरिया का तो अलग ही है, नेचर के बीच में, आसमान में बादल और बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये क्रिकेट खेलने से ज़्यादा तो यहाँ पे घूमने में और बैठने में ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे, झाड़ झंखाड़ और ये बहुत ही खूबसूरत बादल जो कि कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि सब क्रिकेट खेल रहे हैं और उसमें हम लोग भी खेलने जा रहे हैं। ये बैठने के लिए कुछ खास ही व्यवस्था दिख रही है जहाँ से आप बैठ के मैच का लुत्फ़ उठा सकते हैं। और ये मेरे सामने मैदान और ये मैदान का नज़ारा जो कि बहुत ही गजब है। अभी थोड़ी बॉल गायब हुई है और उसी को ढूंढने में सारे प्लेयर लगे हुए हैं। पंछी आ रहे हैं कि नहीं? इतने सारे पंछी उड़ रहे हैं। ये एक चीज भी भूल गए हो रे। और बॉलर बॉलिंग करने के लिए बढ़ते हैं। वही है बाहर है। और इस तरह से आखिरी बॉल पे सिक्सर मार के महेंद्र सिंह धोनी मैच जीत गए। महेंद्र सिंह और हमारे चंद्रशेखर भैया आखिरी बॉल पे मैच हार गए। मैच की समाप्ति के बाद सारे क्रिकेटर्स मैदान छोड़ के जाते हुए जैसे कि आप देख सकते हैं। और हमारे कैप्टन साहब अभी भी हाथ मुंह धुलने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा अनुलोम विलोम करते हुए इन हसीन वादियों में घटा मेरे ऊपर से लेके गए थे और मैंने आज काला कंकाल है, काले बादल है और उसमें ये काले काले पंछी जो कि घूम रहे हैं एक ही जगह पे। उनका कारण क्या है घूमने का ये तो नहीं बता सकते बट लेकिन घूम रहे हैं सब एक ही जगह पे। आप चारों तरफ देखेंगे तो ऊपर आए दाएं नीचे बाएं हर जगह काले पंछी घूम रहे हैं। अकेला पेड़ है गांव में तो ये भूतेला पेड़ ही है जो भी दिखेगा। हाँ रात को 12 बजे आओ हल्की सी यहाँ पे चिड़िया अंदर से बैठी उठी रहे रातें गाड़ उड़ जाएगी। इतना सुंदर ये देखिए छुई मुई के पेड़ बहुत ही अद्भुत है। बस परेशान मत कर। ये देखिए छूते ही मुरझा जा रहे हैं। अरे इतना न शर्माओ रानी, थोड़ा छू लेने दीजिए। ये देखिए मैंने ब्लॉगर हुआ था जीवनगर में रात की टाइम था। लड़की ये सीख रही थी बाइक चलाना सीख रही थी कुछ साइड वाइड पर सीख रही थी और हम लोग सामने जैसे वहाँ सीख रही है वो हम लोग यहाँ झुंड में खड़े थे। मैं
ये है हारे हुए टीम के कप्तान। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।